इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लोइंग पॉइंट अरिथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ एडवांस डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक हैंडल किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक हैंडल किया जाता है बाय द एफ पी एड। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक को हैंडल करने के लिए एफपी एड, इसके अलावा और भी रूटीन्स का इस्तेमाल होता है जिसके नाम हम अभी आपको बताएंगे। जैसे कि एक तो हो गया एफपी एड और दूसरा है एफपी सब के बाद है एफपी CMP। अभी तक हमने आपको तीन रूटीन्स बताए जो कि फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। पहला हो गया आपका FPAD, दूसरा FPSUB और तीसरा FPCMP। इसके अलावा हैं FPMUL और है FPDIV। ये सभी मिलकर फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक को हैंडल करते हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं आपके रूटीन्स। ये सभी क्या है आपके रूटीन्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FPAD के बारे में। FPAD क्या करता है? FPAD ऐड करता है वैल्यू को, FPAD ऐड करता है वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर में। फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर में ऐड करता है। यानी कि FPAD ऐड कर एड्स द वैल्यू इन द फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका FPSUB। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे FPSUB के बारे में। जो आपका FPSUB है यह करेगा सबट्रैक्ट करेगा, किसको सबट्रैक्ट करेगा? वैल्यू को सबट्रैक्ट करेगा। कहाँ पे सबट्रैक्ट करेगा? इन द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड, इन द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड। FPSUB सबट्रैक्ट करेगा वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड में। किससे सबट्रैक्ट करेगा? फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर। यानी कि जो FPSUB है सबट्रैक्ट करेगा वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड में फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर। इसके बाद जो नेक्स्ट रूटीन है वो है FPMUL। जो FPMUL है यह भी एक तरह का सब रूटीन है। FPMUL क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। FPMUL क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा वैल्यू को। कहाँ मल्टीप्लाई करेगा?
फ्लोएटिंग एक्यूमुलेटर। फ्लोएटिंग एक्यूमुलेटर में मल्टीप्लाई करेगा, किससे मल्टीप्लाई करेगा, बाय फ्लोएटिंग पॉइंट ऑपरेट, यानी कि FPMUL मल्टीप्लाई करेगा वैल्यू को फ्लोएटिंग एक्यूमुलेटर में बाय फ्लोएटिंग पॉइंट ऑपरेट। नेक्स्ट जो रूटीन है वो है FPDIB। नेक्स्ट रूटीन है FPDIV। FPDIV क्या करेगा, डिवाइड करेगा वैल्यू को, कहाँ पे डिवाइड करेगा, फ्लोएटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर में, किससे डिवाइड करेगा, फ्लोएटिंग पॉइंट ऑपरेंड रजिस्टर। फ्लोएटिंग पॉइंट ऑपरेंड रजिस्टर FPDIV डिवाइड करेगा वैल्यू को फ्लोएटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर में बाय द फ्लोएटिंग पॉइंट ऑपरेंड रजिस्टर। नेक्स्ट जो रूटीन है वो है आपका FPCMP क्या करेगा, कंपेयर करेगा वैल्यू को, कहाँ पे कंपेयर करेगा, फ्लोएटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर में, किसके अगेंस्ट कंपेयर करेगा, फ्लोएटिंग पॉइंट ऑपरेंड के अगेंस्ट कंपेयर करेगा। तो ये तो हो गया कि फ्लोएटिंग पॉइंट अर्थमेटिक कौन कौन से रूटीन्स से हैंडल्ड होता है। तो यहाँ पर हमने आपको जो रूटीन्स के नाम बताए वो थे FPADD। FPADD के बाद हमने आपको बताया FPSUB। नेक्स्ट हमने आपको बताया FPMUL। इसके बाद हमने आपको बताया FPDIV। तो ये सारे रूटीन्स के बारे में अभी हमने आपसे डिस्कशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कुछ रूटीन्स होते हैं जिनके नाम हैं UCR, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, अर्थमेटिक रूटीन्स। ये रूटीन्स क्या करते हैं, बहुत ही कम एरर चेकिंग करते हैं, यानी कि लिटिल एरर चेकिंग ये करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहे हैं। मान लीजिए कोई अर्थमेटिक ओवरफ्लो आ रहा है, किसके दौरान, ड्यूरिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इनके दौरान यदि कोई भी आपका अर्थमेटिक ओवरफ्लो आता है तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो सब सिंपली सेट होता है रिजल्ट के लिए टू द, अब ये किस रिजल्ट पे सेट होता है, लार्जेस्ट लीगल वैल्यू एंड रिटर्न्स, उस पे क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। अब यह क्या है, यह एक मेजर डेविएशन है आई ट्रिपल ई
फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड के लिए। अब ओवरफ्लो का तो ये केस हो गया, अब मान लीजिए अंडरफ्लो का केस आया, मान लीजिए अंडरफ्लो का केस आया, तो अंडरफ्लो क्या करेगा, रूटीन को, जो भी रूटीन्स हैं, कौन कौन से रूटीन्स हैं, जैसे कि एफ पी एड हो गया या और भी अदर्स रूटीन्स हैं, उनको सिंपली सेट करेगा ज़ीरो पे और लास्ट में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो का केस हो गया। मान लीजिए आप डिवाइड करते हैं किसी भी वैल्यू को बाई ज़ीरो, डिवाइड करते हैं बाई ज़ीरो, तो आपका जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रूटीन है, वो सेट होगा, किस पे सेट होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू उस पर सेट होगा और क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से बचने के लिए या कुछ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रूटीन्स को। यदि आप चेक करना चाहते हैं ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो या फिर डिवीज़न बाई ज़ीरो के लिए, आपके प्रोग्राम में डिवीज़न बाई ज़ीरो के लिए आप चेक करना चाहते हैं, तो ये सारे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट कंपैरिजन रूटीन है, यह कंपेयर करता है, यह क्या करता है, कंपेयर करता है फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर को अगेंस्ट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड, और रिटर्न करता है यह माइनस वन, ज़ीरो या फिर वन, किस में करेगा, ए एक्स रजिस्टर में रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए यदि एक्यूमुलेटर लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर है, किससे है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड से, इस केस में क्या क्या रिटर्न होगा, माइनस वन, ज़ीरो या फिर वन। यह कंपेयर करता है जो आपका एफ पी सी एम पी है, यह ऑल्सो कंपेयर करता है ए एक्स को ज़ीरो के साथ, इमीजिएटली कंपेयर करता है, इससे पहले कि यह सेट हो जाए, यह सेट कर दे फ्लैग को। तो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जे जी ई या जे एल या जे एल ई, जे ई, जे एन ई, जब भी हम इमीजिएटली कॉल कर रहे हैं एफ पी सी एम पी को कॉल करने के बाद। अदर जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि हो गए एफ पी एड, एफ पी सब, एफ पी एम यू एल या फिर एफ पी डी आई वी, इन सब के कंपैरिजन में जो आपका एफ पी सी एम पी है, यह वैल्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वैल्यू को किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करता है फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर में या फिर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेट रजिस्टर में नहीं करता है।
तो ये सारे बहुत सारे कुछ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8087 फ्लोटिंग पॉइंट को प्रोसेसर्स के बारे में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।